नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन। आज हमारे साथ है दीपक गाबा जी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला में। सबसे पहले तो मैं राजनीति.com के फाउंडर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक राजनीति.com जो एक वेबसाइट और जो पोर्टल आपने शुरू किया है, जिसके माध्यम से जनता और देश के नेताओं के बीच में संवाद हो, उनका संपर्क हो सके, इसको एक आपने राजनीति.com के माध्यम से एक पोर्टल और वेबसाइट तैयार करी है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और फिर से बधाई देता हूँ। और एक वाकई में ही एक बहुत सराहनीय कदम आपकी तरफ से ये आया है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इस क्षेत्र के जाने माने चाह रहे हैं जी, और इस राजनीति करियर के बारे में आप हमें बताइए कुछ। जतिन जी, मैं जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला का 2 बार का लगातार दूसरी बार का महामंत्री हूँ। और क्योंकि मैं राजनीतिक परिवार से हूँ, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मदनलाल जी गाबा इस विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे 1993 से 1998 तक, और कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े रहे। क्योंकि राजनीतिक परिवार से हूँ और बचपन से ही मैंने एक राजनीतिक माहौल में रहा, और मैंने अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखते हुए उनके देहांत के बाद मैं राजनीति में प्रवेश किया। और ये मेरा सौभाग्य था जतिन जी कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और सौभाग्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक विचारधारा है और जो उनकी सोच है, उनकी सोच ये कहती है कि सबसे पहले हमारे लिए देश है, हमारा राष्ट्र है, उसके बाद संगठन और फिर किसी व्यक्ति। तो ये हमारी पार्टी की सोच थी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। और राजनीति का जो मेरी अपनी जो व्यक्तिगत सोच है, राजनीति मेरे लिए कोई सत्ता सुख साधन नहीं है, सत्ता भोगने का साधन नहीं है। राजनीति में मैं इसलिए प्रवेश किया क्योंकि मैं जनता की सेवा कर सकूँ। राजनीति मेरे लिए जनता की सेवा करने का माध्यम है। इसी सोच के साथ मैं राजनीति में आया और संगठन के साथ पिछले लगातार 15 वर्षों से काम करते हुए आज मैंने जो अपनी राजनीतिक शुरुआत करी, वो मैंने जिला मंत्री, फिर जिला उपाध्यक्ष और फिर 2 बार का लगातार महामंत्री रहते हुए आज मैं इस पद पर हूँ। नहीं, सिंपलिसिटी तो सर आपके अंदर दिखती भी है, और जिस तरीके से आपके कार्य करने का तरीका है वो यहाँ के लोगों में दिखता भी है, जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। आप एक जाना माना चेहरा है हमारे यहाँ के। आपका जो मोटो है, आपने जिस तरीके से बताया भारतीय जनता पार्टी का, आप उसको और कितना आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, जिस प्रकार से कहते हैं ना, जब भी कोई बड़ा काम होता है तो उसमें हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं योगदान होता है। तो मैं उस छोटे से योगदान के लिए कि हमारा राष्ट्र जो है विश्व गुरु बने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारा जो राष्ट्र है वो विश्व को नेतृत्व दे। और जो कि आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, वो विश्व गुरु बन रहा है और पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। तो मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपना छोटा सा योगदान, जितना मेरे से हो सकता है, मैं उसको भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी अग्रसर हैं। यही हमारी पार्टी की सोच है, यही हमारी पार्टी के संस्कार हैं, जिसको मैं आगे बढ़ाते हुए आज पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। और जिस तरीके से सर लगे हुए हैं हर तरीके से हर फील्ड में, और आपकी एक चीज नोट करी कि कहीं पर भी आपको कहीं पर भी बुलाया जाए आप जरूर पहुंचते हैं। जितने भी आपके कार्यकर्ता हो गए या जो भी आपके क्षेत्र के लोग हो गए, आपसे बहुत कनेक्ट रहते हैं। इस तरीके से आपने वजह से बताया, आपकी फैमिली भी उसी तरीके से थी, उन्हीं से आप सीखते हुए चले आए। ये मुझे लगता है आगे भी आप इस तरीके से फॉलो करते चले। देखिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बचपन से ही राजनीतिक माहौल में रहा और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा धर्म भी है, मेरी जिम्मेवारी भी है कि मैं समाज के लोगों से जुड़ूं, जनता से जितना ज़्यादा जुड़ सकूं उतना मेरे लिए अच्छा होगा, उतना ही पार्टी के लिए अच्छा होगा। जितना हम पार्टी का विस्तार करने का एक ये माध्यम होता है। मैं इस क्षेत्र में अलग अलग संगठनों से भी जुड़ा हुआ हूँ, अनेक धार्मिक संगठन है उनसे जुड़ा हुआ हूँ, अनेक सामाजिक संगठन है उनसे जुड़ा हुआ हूँ, जो इंडस्ट्रियल जो मेरे एरिया के जो एसोसिएशन है उनमें भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। और जनता की जो समस्याएँ होती हैं उनको भी, उनके समाधान के लिए मेरे से जितना हो सकता है, जितना प्रयास मैं कर सकता हूं, मैं करता हूं। वो दिखता भी है सर, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं। सर, यह एक आखिरी सवाल, आजकल के माहौल में आप राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए जतिन जी, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मैं पूरे देश की राजनीति के विषय में बात करूं, तो आज हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में
आज देश तरक्की कर रहा है। आपने देखा होगा जगह जगह पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं। आज विश्व में आज भारत जो है उसका अलग ही पहचान बनी है। आज जो भी पूरे विश्व की समस्याएं होती हैं तो उसमें सबसे पहले याद किया जाता है भारत को, कि भारत ही उस वैश्विक समस्याएं जो हैं उनका समाधान अगर कोई कर सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दे सकते हैं। ये तो होगी मेरे पूरे देश के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ऐसे होते हैं जिनकी सोच ये रहती है कि हमने पहले सबसे पहले देश को आगे कैसे बढ़ाना है। और उसमें एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि हम अपनी संस्कृति को, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और देश का विकास भी किस तरह से हो सकता है, हम कितना विकास कर रहे हैं ये भी आपने देखा होगा, वो दोनों का बैलेंस बना के चल रहे हैं। हमारी पुरानी विरासत को आगे बढ़ाते बढ़ाते हुए और आगे हम किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चल रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे राम मंदिर का निर्माण होना, काशी विश्वनाथ का निर्माण होना, तो इनका आप देखेंगे कि धार्मिक चीज़ों को भी और हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, उनको भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसी के साथ साथ विकास भी आगे कर रहे हैं। आपने देखा होगा विकास के अंदर आज भारत, चाहे वो डिफेंस का एक क्षेत्र हो, पहले हम हवाई जहाज बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पहले हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पाते थे, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पूरे देश की अगर मैं राजनीति की बात करूं कि हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए था जो कि 70 साल से हमें नहीं मिला था, और 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं आपने देखा होगा कि अलग ही बदलाव आया है पूरे देश के अंदर। एक हर व्यक्ति जो हम हिंदुस्तानी होने पे पहले थोड़ा सा शर्माते थे, आज हिंदुस्तानी होने का गर्व करते हैं, एक अंदर हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जागा है। और जहाँ तक मेरा अपना राजनीतिक विजन की बात है, मैं चाहता हूँ कि युवा जो है आज का जो युवा है वो राजनीति में आए, जो कि पिछड़ रहा है, जो युवा कभी कभी आने से कतराता है, युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, जिससे राजनीति स्वच्छ हो, राजनीति अच्छी हो और हम देश के विकास में अपना योगदान कर पाए। ये मेरा एक राजनीतिक विजन है। और दूसरा विजन ये है कि हम राजनीति को समस्या के समाधान के लिए इस्तेमाल करें। अभी तक क्या होता है कि हम सिर्फ विरोध की राजनीति करते थे जो पुराने आज देखते हैं, लेकिन समस्या के समाधान की अगर हम देखें कि हमें जनता की समस्या को कैसे समाधान करना है, तो उस प्रकार की राजनीति की ओर हमें चलना चाहिए। बहुत अच्छे विचार है सर आपके, सही में बहुत अच्छे विचार है। अंत में मैं दीपक गावा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने स्टूडियो में आकर अपने विचार हमारे साथ साझा किए।